कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं फिर से शुरू हो गई है। युवा कश्मीरी पंडितों की कल उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। इस विषय के साथ ही महाविकास आघाड़ी और बाकी मुद्दों पर संजय राउत ने आज पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी। कश्मीरी पंडितों का प्रत्यावर्तन और उनकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा था, जिसके लिए अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। कश्मीर का विभाजन किया गया, जिसके लिए हम सब ने उनका साथ दिया, फिर भी कश्मीरी पंडित घर नहीं लौट सके। कश्मीर अभी भी अशांत है, बाहर नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडित ही नहीं, वहाँ के आम लोगों की जिंदगी भी असुरक्षित है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसा कहते हुए संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों को मुद्दों से विचलित नहीं कर सकते। लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों को लेकर लोग इस मुद्दे पर खासा ध्यान दे रहे हैं। शिवसेना कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को बेहद संजीदगी से देख रही है। चीन ने एक तरफ हमला किया है और दूसरी तरफ कश्मीर, यह देश के लिए सही नहीं है। सर, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कल एक और खबरें सामने आई जहां पे कश्मीरी पंडितों दिन दहाड़े तहसील कश्मीरी पंडित, वो भी सरकारी कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, ये बार बार हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में सरकार हमारी, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत ही इमोशनल है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी, 7 साल में कितने घर वापसी हो गए मालूम नहीं, लेकिन जो थे उनको भी वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही थी। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा। जिस प्रकार की हत्या कल उस युवा कश्मीरी पंडित की हुई है वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके फैमिली का आक्रोश देख रहा था, बच्चे, उनकी वाइफ, पत्नी, सभी लोग। ये तो चल रहा है कश्मीर में फिर एक बार, ये क्या साजिश है? बार बार कश्मीर की तरफ उंगली मत उठाइए, पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। हम क्या करने जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? ये बहुत ही अहम सवाल है। 370 निकालने के बाद भी अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो रही है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित भी है और वहाँ की आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, ये बात सिर्फ पंडितों तक अब सीमित नहीं है। फिर एक बार कश्मीर में अस्थिरता और अशांतता का जो माहौल बना है, वो माहौल आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेकर खत्म करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे से कश्मीरी पंडितों का मामला या कश्मीर का मामला हल नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।